Hey guys, my name is Viren Singh. Welcome to the eLearnum platform. Here we are going to discuss about 1 month strategy for DBT GRF 2021. So DBT GRF का जो examination date है वो announce हो चुका है, that is 14th of August को. तो आज हम उसी के सिलसिले में बात करने वाले हैं. 14th of August अगर आप prepare कर रहे हैं तो what should be your strategy और किस तरीके से काम कर सकते हैं. So let's talk about it. This is a very brief strategy. You can say very short and smart strategy. आसानी से अगर समझेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा. और इस वीडियो के बाद ही मैं अगले दिन कल लेके आऊँगा एक सुपर 100 या कह सकते हैं कि टॉप 100 टॉपिक्स ऑफ डीबीटी जीआरएफ. तो वो वीडियो इसी के कंटिन्यूएशन की ही होगी, लेकिन उसमें जो है टॉपिक्स के बारे में बताया जाएगा कि ऐसे कौन से टॉप 100 टॉपिक्स हैं जिसको आप टारगेट कर सकते हैं डीबीटी जीआरएफ के लिए. सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रैटेजी के लिए. तो डीबीटी जीआरएफ एग्जामिनेशन जो है इस बार कंडक्ट कराएगा एनटीए. अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया है तो अच्छी बात है कि एनटीए ने जो है ये एनटीए एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करने वाला है डीबीटी जीआरएफ का, जो कि आपके 14th ऑफ अगस्त को टेंटेटिव डेट आपके पास आ चुका है कि 14th ऑफ अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है. अगर एज ऑफ नाउ अगर यहाँ से देखने की कोशिश करें तो आपके पास ऑलमोस्ट 29 to 30 डेज यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर डीबीटी जीआरएफ एग्जामिनेशन. आपके पास 29 to 30 डेज जो है इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए है. ये एग्ज़ाम जो होता है डीबीटी जीआरएफ एग्ज़ाम दो, इसको हम बीईटी के नाम से भी जानते हैं, दैट बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट. इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम जो होते हैं ये दो कैटेगरी में इसके रिजल्ट होते हैं, एक कैटेगरी ए का और कैटेगरी बी का. कैटेगरी ए के लोग जो होते हैं वो डायरेक्टली जो है जीआरएफ पोस्ट पे जा सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में, लेकिन कैटेगरी बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली डीबीटी जीआरएफ फंडेड प्रोडक्ट पे जा सकते हैं. ओनली डीबीटी जीआरएफ फंडेड जो प्रोजेक्ट्स है, जो भी डीपीटी डीआरएफ फंडेड प्रोजेक्ट्स है उन पे जा सकते हैं. कैटेगरी ए स्टूडेंट जो क्वालिफाई करेंगे इनको एक फेलोशिप भी मिलेगी जो 31,000 है, फेलोशिप भी प्रोवाइड की जाएगी, बट देर इज़ अ नो फेलोशिप फॉर द कैटेगरी बी. कोई भी फेलोशिप नहीं है. अगर प्रोजेक्ट में है तो वो पैसा आपको मिलेगा, बट एक्सटर्नल फेलोशिप जो है वो आपको प्रोवाइड नहीं करता डीबीटी जीआरएफ. सो डीबीटी जीआरएफ जो होते हैं लोग इसीलिए ऑप्ट करते हैं और जीआरएफ के लिए इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की जाती है. सो हियर हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि what will be your strategy. सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू हैव द 30 डेज अप्रॉक्सीमेटली. जैसा कि हमने आपसे बात किया था कि यू हैव 30 डेज अप्रॉक्सीमेटली, आपके पास जो है 30 डेज है. 30 डेज को आप किसी भी तरीके से डिवाइड कर ले. सो लाइक यू विल हैव 30 डेज अप्रॉक्सीमेटली, और 30 डेज में ध्यान रखना कि द स्ट्रैटेजी शुड बी लाइक SRP. हमेशा आपकी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी इस तरीके से चलनी चाहिए, S फॉर स्टडी एंड R फॉर रिकॉल एंड देन प्रैक्टिस. SRP अप्रोच जो है आप लेके चले, सो दैट विल बी द ग्रेट वन. वो आपका डे वाइज शेड्यूल इस तरीके से होना चाहिए. सो नाउ अगर मैं बात करूँ यहीं पे, आपका डे वाइज शेड्यूल शुड बी फिक्स्ड. आप जो है डे वाइज अपने शेड्यूल को फिक्स करें. आपका डे वाइज शेड्यूल जो है जो भी आपको टाइमिंग हो, दिस शुड बी लाइक SPR जो मैंने आपको बताया, आप इसको सेट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग कि आपको कब स्टडी करनी है, कब प्रैक्टिस करना है, कब रिकॉल करना है. लेकिन द साइकिल शुड बी लाइक दिस, S के बाद P होना चाहिए और P के बाद रिकॉल होना चाहिए. इन जनरल यू कैन प्रिफर S स्टडी एट द डे टाइम. आप जो है इसको डे टाइम में प्रिफर करें अगर आपको करना है तो. इसके अलावा जो है P प्रैक्टिस करें आप इवनिंग टाइम में. प्रैक्टिस जो है यू कैन डू इट एट इवनिंग टाइम एंड रिकॉल करें नाइट टाइम में. रिकॉल करें नाइट टाइम में जो है रिकॉलिंग ये कर सकते. सो दिस इज़ द केस जो कि ये डे वाइज और स्टडी मतलब SRP का केस चल सकता है. प्रैक्टिस करें और रिकॉल करें नाइट टाइम में. रिकॉल आप कभी भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो फॉलो SPR शेड्यूल फॉर डे टाइम. अब नाउ देयर इज़ अ सोर्सेज कि आप अगर SPR पे टारगेट कर रहे हैं तो आपके पास 30 डेज है, और 30 डेज में आप पूरे के पूरे योद्धा तो नहीं बन पाएंगे. मतलब आप कंप्लीट स्टडी पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपका काफ़ी टाइम टेकिंग होगा. तो ट्राई टू डू स्मार्ट स्टडी. स्मार्ट स्टडी को हम बोलते हैं रिवर्स मेथडोलॉजी स्टडी. रिवर्स मेथडोलॉजी स्टडी. रिवर्स मेथडोलॉजी क्या कहता है? रिवर्स मेथडोलॉजी ये कहता है कि आप जो है PYQs को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए और उनसे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जाके लर्न करिए.
Just go to the PYQs, try to solve it, and if you know the concept, that it will be good. And अगर आप नहीं जानते हैं तो आप क्या करिए कि उसके concepts को learn करने की कोशिश करिए कि हाँ इसका concept क्या हो सकता है. ठीक है, सो दैट इज़ द केस कि इस तरीके से आप अपने स्ट्रैटेजी को, अपने चीज़ों को लेके जा सकते हैं. फॉलो योर रिवर्स मेथडोलॉजी. रिवर्स मेथडोलॉजी विल हेल्प यू टू नो दैट कि यही यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं. इसके अलावा एक और चीज़ जो कि पेपर शेड्यूल के ऊपर बात करूँ मैं. सो DBT GRF का जो पेपर शेड्यूल होता है जिसके ऊपर काफ़ी लोग वरी करते हैं, इसके पास सेक्शन ए होता है एंड दे हैव द सेक्शन बी. सेक्शन ए हैव द 50 क्वेश्चंस जिसमें से कि 50 क्वेश्चन आप 50 अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसके टोटल मार्क्स 150 होते हैं. एंड सेक्शन बी हैव 150 क्वेश्चंस एंड करीब करीब 50 क्वेश्चन इसमें से आपको अटेम्प्ट करना होता है और इसका भी टोटल मार्क्स 150 होता है. टोटल 200 क्वेश्चन में से आपको 100 अटेम्प्ट करने होते हैं और 300 मार्क का पेपर होता है. ध्यान दीजिए, सेक्शन ए जो होता है इसमें जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, जनरल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जनरल बायोटेक्नोलॉजी, ये सब आता है. लेकिन सेक्शन बी में जो होता है स्पेसिफिक एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ जनरल बायोटेक्नोलॉजी के भी क्वेश्चन होते हैं. ध्यान रखना, जनरल बायोटेक्नोलॉजी के भी क्वेश्चन होते हैं. सो अगर आप CSIR के प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ध्यान देने की कोशिश करेगा कि बहुत आसान है इस पर्टिकुलर चीज़ को समझना कि हियर सेक्शन ए में करीब करीब आपको जनरल बायोटेक्नोलॉजी से 30 क्वेश्चन आपको मिलते हैं. जो जनरल बायोटेक, अगर आप एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स या वैसे मैथमेटिक्स के बहुत क्वेश्चन नहीं आते, एक दो क्वेश्चन आता है, तो जनरली जो है 30 क्वेश्चंस आप अप्रॉक्सीमेटली जनरल बायोटेक्नोलॉजी के मिलेंगे, 30 to 35. इसके अलावा करीब करीब 40 to 45 क्वेश्चंस आपको जनरल बायोटेक का मिलेगा इन दिस 150 क्वेश्चन. बाकी जो होते हैं हर एक स्पेसिफिक एरिया से 10-10 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आते हैं. तो इसके ऊपर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा, दिखाऊंगा अगले वीडियो में कि कैसे आप इन चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं. लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर आप जो हैं ये टारगेट कर रखे कि नहीं मुझे आसानी से प्रिपेयर करना है चीज़ों को, तो ध्यान रखना कि जनरल बायोटेक्नोलॉजी का जो सेक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें, DNA टेक्नोलॉजी और उसके अलावा आपके मॉलिक्युलर बायोलॉजी, ये कुछ बेसिक जो होते हैं, RDT टेक्निक्स, ये सब क्वेश्चंस जो होते हैं वहाँ पे पूछे जाते हैं. सो हियर बी क्लियर विद दैट कि जनरल बायोटेक्नोलॉजी आपके लाइफ को सेव कर सकता है. जनरल बायोटेक्नोलॉजी जिसमें से कि सेक्शन ए में इसके क्वेश्चंस आते हैं करीब करीब 30 to 35 और सेक्शन बी में इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं करीब करीब आपके 40 to 45. अगर आप इसी को देखोगे तो करीब करीब आपके 80 से 85 क्वेश्चन जो है आप यहीं से ऑप्ट कर सकते हो. यू कैन ऑप्ट 80 to 85 क्वेश्चंस फ्रॉम हियर. इसी की वजह से क्या होता है कि पिछली बार का कट ऑफ भी अच्छा गया था, क्योंकि लाइफ साइंस ने जो है ये जनरल बायोटेक्नोलॉजी का सेक्शन आता है जिसमें कुछ यूनिट्स बहुत कॉमन होते हैं, बायोकेमिस्ट्री, जिसमें कि आपके सेल बायो, जिसमें RDT टेक्निक, इसके अलावा मॉल बायो, ठीक है, जेनेटिक्स, ये सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि बहुत कॉमनली यहाँ पे पूछे जाते हैं. इसके अलावा सम ऑफ द न्यूमेरिकल पोर्शंस इज ऑल्सो देयर, कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी बात की जाती है जो कि चीज़ें चलती रहती हैं. सो ध्यान रखना कि ये तरीका आप जनरल बायोटेक्नोलॉजी इन सब चीज़ों पर पढ़िए. अब पढ़ना कहाँ से है, इसके लिए मेरी फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं अन अकेडमी पे. इसके अलावा यूट्यूब पे ई लर्निंग के यूट्यूब पे बहुत सारे आपके क्लासेस अवेलेबल हैं और हम क्रैश कोर्स में भी लेके आएंगे, तो वहाँ से भी आप चीज़ों को लर्न कर सकते हैं. तो दिस इज़ द केस जो कि आपका पाया जा रहा है, पढ़ना कहाँ से. PYQs को आपको छोड़ना नहीं है, डोंट फॉरगेट या डोंट मिस PYQs. PYQs के थ्रू जाइए और पढ़ते रहिए. सो ये चीज़ जो है आपको हेल्प करेगी और आराम से सॉल्व कर सकते हैं. अगले सेशन में, अगले लेक्चर में मैं ये बताऊंगा कि वो टॉप 100 टॉपिक्स कहाँ हैं जिससे कि आप आसानी से चीज़ों को लर्न कर सकते हैं और लेके जा सकते हैं. तो मैं 100 टॉपिक्स जो है अगले सेशन में बताने वाला हूँ. अगले वीडियो में आपके पास 100 टॉपिक्स रहेंगे और 100 टॉपिक्स में से आपके पास 30 डेज, ठीक है. तो ध्यान रखना कि यू हैव 100 टॉपिक्स एंड 30 डेज, यानी कि 3 टॉपिक्स इन 1 डे. ये गोल बना लीजिए कि मुझे एक दिन में जो है वो 3 टॉपिक पढ़ना है. ये तब जब आपने कोई प्रिपरेशन नहीं करी है तब. अगर आप CSIR की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे होंगे तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जनाब. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है कई सारे टॉपिक्स आप ऑलरेडी पढ़े रहेंगे, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना. 3 टॉपिक्स 1 डे का गोल बनाइए एंड यू विल गेट टू क्रैक द DBT GRF इन अपकमिंग अगस्त.
चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट में टॉप 100 टॉपिक्स के साथ. टिल देन बाबा टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट. एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इंतजार करिए टॉप 100 का. कल मैं अपलोड करूँगा वीडियो. टिल देन बाबा टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट. अगर पूरा करना हो CSIR का सपना तो मेहनत से बढ़कर कोई संकल्प नहीं. जब बात हो बेस्ट तैयारी की तो अनअकैडमी से बेहतर कोई विकल्प नहीं. अनअकैडमी का एक टॉप एजुकेटर जिसे वीरेंद्र सिंह के नाम से जानते हैं, अपने स्मार्ट टीचिंग से वो कईयों के सपने पूरे कराते हैं. जुड़िए अनअकैडमी के साथ और ले जाइए अपना CSIR अपने साथ. देखिए वीरेंद्र सर की फ्री क्लासेस, अपनी तैयारी आजमाने के लिए और यूज करिए रेफरल कोड वीरेन 10% डिस्काउंट पाने के लिए.